तो गाइस हमारे इस वाले गेम पे जो एक ग्रैंड मास्टर वाली स्क्वाड पड़ी थी, वो जो लॉबी पे सेल्फी वाला इमोट दिखा रहा था, तब भी मैंने गेम को मतलब सोच दिया था कि भाई इस गेम पे जो उनको मारना ही मारना है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो कल्याण ने बोला कि इधर पे उतर रहे हैं वो लोग, तो इसीलिए हम लोग क्लॉक टावर पे ही उतर गए और इधर पे रिप्ले से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इधर पे लैग कर रहे, इधर पे देख ही सकते हो। ठीक है कुछ भी कुछ भी। ठीक है, और इधर पे उन बंदे का प्रोफाइल इधर पे देख सकते हो, इसका नाम है अमन बॉस और इसका नाम है रॉकी करके कुछ है, दोनों की दोनों ही ग्रैंड मास्टर है। ठीक है ओरे बाबा। ठीक है, और मैं अभी इधर पे क्लॉक टावर पे उतरा इस घर पे, और मेरे को तो भाई एक भी गन नहीं मिला और मैं इधर उधर भागा गया, लेकिन मेरे को गन ही नहीं मिले। पैसा बर्बाद बहन चोद। इधर पे आके एक यूजी मिला, लेकिन उतने देर तक हमारा रीतम नुबड़ा जो मर गया था। शाबाश बेटा। ठीक है, तो इधर पे कल्याण के पास भी कुछ गन था शायद से, और मैं नीचे जब भी आया इधर पे मेरे को फुट स्टेप आया कि और भी बंदे हैं, तो इधर पे मैं भाग ही रहा था। अभी देखना क्या सीन होगा, ये जो उस ग्रैंड मास्टर वाले स्क्वाड का ही बंदा है। मैं नहीं मानता। ठीक है, और मैं इधर से भाग के इस घर पे आ गया, क्योंकि मेरे पास तो शॉर्ट रेंज नहीं है, मैं कैसे ही मारूं। ठीक है, और इधर पे मेरा जो हमारा दो बंदा इधर मर गया, रीतम नुबड़ा और क्या हेनरी नुबड़ा, दोनों के दोनों बंदे इधर पे मर गए। ठीक है, और इधर पे एक बंदा जो है रस कर देगा, इधर पे देखना ग्रैंड मास्टर वाले स्क्वाड नीचे है और हम और कल्याण है। अभी देखो साले ने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया और मेरा हेल्थ देखो भाई। तो गाइस इधर पे आने के बाद इधर पे सामने की तरफ मेरे को बंदा दिखा और एक ही बंदे को मैंने देखा था कि पूरा स्क्वाड ही हो सकता है, इसीलिए जो मैंने ध्यान से देख रहा किया ये वो बंदा अकेला है कि पूरा स्क्वाड है। तो गाइस इधर पे देख सकते हो सामने इधर पे मेरे को बंदा दिख गया और मतलब बंदे को मैं दिख गया और इधर पे मारने लगा, तो मैं इधर पे एक पर हेड दिया और बंदे को डाउन कर दिया। उसके बाद भी मैं सोच रहा था कि भाई क्या मैं उसको लूटने जाऊं या फिर ना जाऊं, तो गाइस इधर पे मैंने ये वाला बॉक्स ओपन किया और इधर से मेरे को जो है दो टोकन मिले, और अगर दो टोकन मेरे को मिल जाते हैं तो बाउंटी से तो दो टोकन मिलते हैं, इसीलिए जो मैंने एक लेम्बोर्गिनी ली और इधर पे मैं एनिमी की तरफ भागा गया जिसको मैंने डाउन किया था, तो उसको मैं क्लियर करके लूट लूंगा और मेरे को तो दो टोकन आराम से मिल जाएगा, मतलब 200 टोकन। ठीक है, और इधर पे मेरे बाउंटी से जो भाई मेरा गाड़ी किधर चला गया मेरा लेम्बो। तो गाइस उसके बाद मैं रिवाइव करने के लिए लैम्बो उठा के एकदम सीधा जो मिल की तरफ जाने लगा। ये जो हॉर्ड सिंगर क्या बात है। गाइस इधर पे मैंने ये वाला बॉक्स दिखा और देख के ही ओपन करने लगा, तो इधर पे जो मेरे को और 200 टोकन मिल गए, यानी कि 600 टोकन मेरे पास हो चुके थे, और मैं टोकन लूट ही रहा था तभी मेरे को जो बंदा दिख गया इधर पे। ठीक है, ये फंस गया सी की तरफ आ रहा था, तो भाई इधर पे हेड मारने की कोशिश किया और इधर पे मेरा देखो भाई क्या सीन हो गया, अटक के कुछ हो गया, तो बॉडी पे मैंने इसको मार दिया। सॉरी। तो उसके बाद मैं क्लियर भी करने जा रहा था तब भी जो इधर पे लैग हो रहा था, तो समझ सकते हो। तो इसको लूटने के बाद मेरे को थोड़ा बहुत और टोकन मिल गया। उसके बाद मैंने सोचा कि ये वाला जो बुर्ज खलीफा होता है ना टावर का, वो वाला का की मेरे को मिल गया था, तो मैं सोच रहा था कि वो वाला ओपन करके उसके बाद उससे भी बहुत सारा टोकन मिलेगा, उससे एक साथ जो है सारे बंदों को रिवाइव दे दूंगा। क्यों हिला डाला ना, फिर जो की लगा के ये वाला डोर ओपन करने लगा, और कुछ देर बाद ही इधर पे ओपन भी हो गया, इधर पे आप देख ही सकते हो। और अंदर जाने के बाद बहुत सारा चीज इधर पे मिलता है, तो आपको पता ही होगा, टोकन वगैरह, लेवल 4 का वेस्ट वगैरह, लेवल 3 का बैग, बहुत सारा कुछ इधर पे मेरे को मिल गया। इधर पे देख ही सकते हो VSS वगैरह भी था, तो इधर पे मैंने फटाफट मेरा लैम्बो लिया और मैं फटाफट इधर पे CP8 पे रिवाइव करने के लिए जाता रहा। तो गाइस मैं इधर पे CP8 पे आते ही जो है मैं सारे बंदे को अपना रिवाइव कर देता हूँ इधर पे। मैं अपना लंबो लेके जो फटाफट जोन की तरफ जाने लगा, क्योंकि जो जोन इधर पे बहुत दूर था, तो मैं फटाफट मेरा लंबो उठा के मैं उधर जाने लगा। तो गाइस मैं इधर पे आते ही जो मैंने देखा है कि एक बंदा भाग रहा है, तो मैं तुरंत उतर के जो इस बंदे को मारने लगा, और भाई इसको भाई बहुत मुश्किल से जो मैंने मार दिया, वो भी हेडशॉट से। जलवा है हमारा। ठीक है, तो बंदे को फटाफट क्लियर करते हैं, चलो क्लियर भी कर दे इसको क्लियर करते हैं। अब मेरे को कुछ लूट वगैरह मिल जाएगा इससे, भाई ज्यादा कुछ तो नहीं मिला, चलो जो भी मिला अच्छा है। तो जोन की तरफ मैं फिर से जाने लगा। तो गाइस मैं इधर पे आते ही मैंने पीछे नहीं देखा और सामने की तरफ भागा गया, और इधर पीछे मुड़ के देखा कि भाई वो ग्रैंड मास्टर वाला स्क्वाड। आई एम सॉरी बाबू।
पूरा स्क्वाड मिलके जो इधर पे मेरे को मार दिया, ठीक है। और रॉकी इधर पे देख ही सकते हो, वो ग्रैंड मास्टर वाला बंदा। तो अभी देखना कि हम उनको मार के जो कैसे बुइया करते हैं। आइए देखते हैं, बैठ कर मजा आएगा। कल्याण इधर पे जैसे तैसे आके जो मेरे को इधर पे रिवाइव दे दिया, इधर पे अब देख ही सकते हो, ठीक है। तो मेरे को इधर पे रिवाइव देने के बाद मैं जो वो वाला बुर्ज खलीफा के टावर पे ही जाने लगा, क्योंकि उधर से अगर कुछ गन वगैरह मिल जाए तो भाई क्या ही कर ले। लेकिन भाई मैं नीचे ही चला गया, देख ही सकते हो, इधर पे मैं पूरा नीचे चला गया। और इधर पे जो है बहुत से बंदे आसपास मेरे थे और मेरे को गन वगैरह भी नहीं मिला, इधर पे G18 नहीं मिला, बस इधर पे कुछ भी गन नहीं था। तो मैं छुप के ऐसे बैठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कब तक मैं छुप के बैठूंगा। उम्र सारी कर रहे, इधर पे बंदा मेरे को दिखा और मार दिया भाई फिर से मैक्स 7 से, वो वाला ग्रैंड मास्टर वाला बंदा रॉकी। चीटिंग करता है तू। जो है मैंने पहली बार जो है गलती कर दी थी थोड़ा, इधर पे मैं उतरते उतरते थोड़ा नीचे चला गया। चलो कोई ना, ऊपर भाई नीचे से कौन मारे। अबे भाई 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 भाई, इधर पे मेरे पास शॉट गन मिला और इधर पे नीचे से मार रहा है बंदा। भाई क्या ही करूँ, शॉट गन से मैं क्या ही मारूँ। तो इधर पे मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाता हूँ भाई। तो गाइस नीचे एक लूडबॉक्स था, तो मैं लूडबॉक्स पे जाके एक AC-80 उठाया और उससे जो एक बंदे को हेड भी दे दिया, ठीक है। तो गाइस उसको तो क्लियर करना पड़ेगा, तभी जो इधर पे हमारा एक नुबड़ा मर जाता है, हेनरी नुबड़ा। इसको मैं फटाफट क्लियर भी कर देता हूँ। लेकिन ग्रैंड मास्टर वाला बंदा जो इधर पे होता है, तो मैं इधर पे उतर के जो इसको रिवाइव भी दे देता हूँ, ठीक है। और रिवाइव देने के बाद इधर पे बंदे होते हैं 3v3, हो सकता है कि ग्रैंड मास्टर वाला बंदा 3 और हम 3, ठीक है। तो इधर पे देखते हैं क्या होता है। तो अमन बॉस इधर पे अभी भी किल कर रहा है, इधर पे देख ही सकते हो। अमन बॉस जो मैंने पहले के टाइम दिखाया था आपको प्रोफाइल, तो मेरे पास बहुत सारा टोकन थे, तो इसीलिए मैंने रिवाइव देने गया और इधर पे मैंने देखा नहीं कि मेरे बाजू पे ही वो जो अमन बॉस था इधर पे क्रिमिनल, ठीक है। मैंने तो रिवाइव तो दे दिया लेकिन मेरे को भी मार दिया। तो अभी जो है वो बंदा सिर्फ अकेला बचा है, हमारा 3 और वो अकेला। तो ये मैच हमारे नाम, इधर पे देख ही सकते हो, इधर पे एक ही बंदा है और मेरे को भी ये लोग रिवाइव दे रहा है, भाई क्या ही बोले। अभी जो है अमन बॉस अकेला है और हमारा पूरा स्क्वाड। तो इधर पे देख ही सकते हो कैसे जो है बुइया कर दिया हमने। तो गाइस इसीलिए मैंने टाइटल और थंबनेल पे लगाया कि ये जो है एकदम बेहतरीन कमबैक था। इधर उधर पे मैं रिसेंट पे आके मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा वो अमन बॉस क्रिमिनल वाला और एक और बंदा है रॉकी, जो मैंने पहले के भी दिखाया था रिसेंट से, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट पे बताना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।